जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने डीडीयू विश्वविद्यालय में रखे ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि ईवीएम मशीन सुरक्षा को देखते हुए स्ट्रांग रूम पर 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है, जिसमें कि अंदर वाली लेयर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो कि बारी बारी से अपनी ड्यूटी के समय सुरक्षा देंगे। इसके साथ ही यहां पर फायर ब्रिगेड, लाइट, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरा लगा है और कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, जिससे कि 24 घंटे कंट्रोल रूम से ईवीएम मशीन की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति की यहां पर एंट्री प्रतिबंधित किया गया है और लगातार अधिकारियों द्वारा भ्रमण करके निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, स्ट्रॉन्ग रूम पर 3 स्तरीय चक्र बनाए गए हैं सुरक्षा के, जिसमें कि अंदर वाले चक्र पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगा है और बाहर पुलिस लगी है। चाक चौबंद व्यवस्था है, लाइट, जनरेटर, फायर ब्रिगेड सबकी व्यवस्था है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कहीं भी किसी अवांछनीय व्यक्ति की गतिविधि यहाँ नहीं होने दी जाएगी और इस संबंध में लगातार सभी अधिकारियों द्वारा दिन और रात में भ्रमण करके इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है।